नमस्कार। आज के कॉटन आउटलुक में हम देखेंगे कि कॉटन में किस ढंग से मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, सबसे पहले अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने पिछले साल लगभग जून के करीब हमने प्राइसेस को 50,240 का भाव लगते हुए देखा। सिंस देन मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई और हमने 50,000 वाले कॉटन को 27,550 के करीब भी ट्रेड करते हुए देखा है। लगभग जनवरी एक साल की बात करें तो 16% की गिरावट हमने देखी है, बट गिरावट उससे ज्यादा रही है बिकॉज हमने 50,000 से लेकर लगभग 27,000 का लेवल आते हुए देखा है प्राइजेस के अंदर। हाँ, जनवरी से अगर अभी तक की बात करें तो प्राइजेस में थोड़ी बहुत रिकवरी भी आई है और प्राइजेस इस वक्त 30,000 के करीब या 29,500-29,600 के करीब ट्रेड करें, क्योंकि फ्यूचर्स पे इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बट फिजिकल मार्केट की अगर हम बात करें तो प्राइजेस लगभग 30 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले साल हमने देखा कि एक्सपोर्ट में हमारा पार्टिसिपेशन नहीं था बिकॉज स्टार्टिंग से ही अगर हम देखें तो वी वर मोर कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू ब्राजील, चाइना, यूएस, या अगर हम कॉटन इंडेक्स की भी बात करें सबके मुकाबले इंडिया काफी कॉस्टलियर थी। बट अब आप देख सकते हैं दिसंबर बियॉन्ड हमारी प्राइजेस यूएसए से मुकाबले हम लोग काफी थोड़े बहुत अभी भी कॉस्टली दिख रहे हैं, बट चाइना, ब्राजील और इनके मुकाबले देखें तो हम लोग काफी कॉम्पिटेटिव में आ चुके हैं। नो डाउट पिछले 6 महीने की बात करें तो वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा ईज हुई है, जो हिस्टोरिकल हम हाई पे वॉलिटिलिटी बनते हुए देखी थी। चाइना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज चाइना के जो डोमेस्टिक प्राइस है वो अब कॉम्पिटिटिव है काफी ग्लोबल मार्केट से। वहीं जो मैक्रो एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं काफी कंसर्निंग है, जिसके चलते चाइना में इम्पोर्ट जो है वो रिसेंटली ड्रॉप हुआ था, बट माना ये जा रहा है कि चाइनीज के फाइबर इम्पोर्ट है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ ही दिखेगा बिकॉज अब चाइना में रीस्टॉकिंग और चाइनीज न्यू ईयर के चलते डिमांड बनी हुई है। कहीं ना कहीं शिपमेंट्स के जो अराइवल है चाइना पोर्ट पे वो अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, बट अब वापस चाइनीज हॉलीडे पे अगर जाते हैं और कोविड का कंसर्न बढ़ता है तो ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो डिमांड साइड आर्गूमेंट अभी भी चलता रहेगा, सप्लाई साइड भी कंसर्न कुछ बने हुए हैं, बट वॉलिटिलिटी जो पिछले सालों में देखी गई थी वो अब काफी हद तक कम हो चुकी है। अब जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो रिसेशन को, स्लोडाउन को लेकर बनी हुई है। अगर कॉटन की कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो हमने पिछले एक हफ्ते में 3% की गिरावट देखी बिकॉज जो डोमेस्टिक मिल और जिनर्स है इन्होंने अभी तक वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रखी है बिकॉज चाइना में जिस ढंग से कंसर्न कोविड का बढ़ रहा है, रिसेशन के फियर्स बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कोई बड़ी बाइंग नहीं हो पा रही है। जिनर्स और मिलर ने पहले से ही हमने देखा डिस्पैरिटी काफी बनी हुई है, जिसके चलते मेजर पार्टिसिपेशन इनकी तरफ से नहीं आया है। प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि सीआई ने अभी रिड्यूस किया है क्रॉप साइज का एस्टीमेट्स को, जो लगभग 9.25 लाख बेल्स के आसपास है, जो पहले प्रोजेक्टेड था उसके मुकाबले 330.50 लाख बेल पे पहुंच चुके हैं। क्रॉप साइज में जो कटौती हुई है उसमें माना जा रहा है यील्ड में लॉसेस है, और रिसेंटली भी हमने देखा कि राजस्थान, गुजरात के ये बेल्ट में जो फ्रोस्ट की कंसर्न है, जिसकी वजह से यील्ड में सभी क्रॉप में कमी आते हुए दिखाई दे रही। कॉटन के कंजम्पशन है जो इस बार मान रहे हैं कि 300 लाख बेल के आसपास का रहेगा, एंड मील का जो कंजम्पशन है वो 280 लाख बेल के आसपास रहने की उम्मीद है। सीआई ने एस्टिमेट किया है जो एक्सपोर्ट है वो अब थोड़ा बहुत इंप्रूव होता हुआ दिखेगा बिकॉज पहले जो डिस्पैरिटी थी वो थोड़ी थोड़ी अब कम होना चालू हो चुकी है, बट कंसर्न अभी भी रहेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रिसेशन के फियर अभी भी बने हुए हैं। रिसेंटली हमने देखा वाजडा की जो रिपोर्ट थी उसमें हायर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट किए गए हैं यूएस की ओर से, जहाँ पे 14.68 मिलियन बैरल मिलियन बेल्स के आसपास और एंडिंग स्टॉक है 4.20 मिलियन बेल्स के आसपास रहेगी 2022-23 के चलते। वहीं ग्लोबल प्रोडक्शन प्रोजेक्टेड ओवरऑल डाउनसाइड बताया जा रहा है 3 लाख बेल्स के आसपास का, जो लगभग 115.4 मिलियन के आसपास रहेगा बिकॉज इंडिया में यील्ड में ड्रॉप बताया जा रहा है। साथ में ग्लोबल कंजम्पशन फोरकास्ट है वहां पे भी हमने थोड़ा ड्रॉप आते हुए देखा, लेट इट बी इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बिकॉज स्लो डाउन और करेंसी फ्लक्चुएशन के चलते जितनी भी मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ट्रेड ओवरऑल थोड़ा डाउन ही दिखा रहा है बिकॉज चाइना वॉज द मेजर लीडर और चाइना में जिससे कोविड का कंसर्न था तो ये ड्रॉप होता हुआ दिखे हैं। ओवरऑल प्राइस एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई देगी एज ऑफ नाउ। नो डाउट क्रॉप एस्टिमेट जो ड्रॉप हुए हैं जिसके चलते हमें लगता है 27,000 से 32,000 का एक ब्रॉडर रेंज डोमेस्टिक प्राइस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले हमारी बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक काफी कम था, जो 71.84 लाख बेल्स के मुकाबले 31.89 था, बट कहीं ना कहीं डिमांड साइड भी अगर हम देखते हैं तो मिल के कंजम्पशन या एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कंजम्पशन में ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते हमारा जो सरप्लस था उसमें कोई बड़ा मेजर चेंजेस नहीं आया। पिछली बार हमारा सरप्लस 74.89
बिल्स के आस लेग बिल्स के आसपास था, जो इस वक्त 74.39 के आसपास रहा है दिसंबर 31 तक। तो ओवरऑल क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, जिसके चलते अब तक हमने प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आते हुए देख पा रहे थे। करंटली अगर हम अराइवल्स के सिचुएशन की बात करें तो पिछले सालों के अंदर जो अराइवल्स है उसमें सबसे लोवेस्ट फिगर्स हमने इस बार आते हुए देखा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट करने की जरूर कोशिश कर रही है, बट डिमांड के अभाव में हमने उल्टा प्राइजेस में एक गिरावट देखा जो अक्टूबर में 28,600 तक चले गया था। सिंस देन अराइवल नहीं आने की वजह से प्राइजेस स्लोली एंड स्टडी थोड़े इंप्रूव जरूर हुए हैं, बट माना यह जा रहा है कि फार्मर्स कोई भी ऐसे मूड में नहीं है कि लोअर लेवल्स पे हम माल बेचे, जिसके चलते हो सकता है एक तो क्रॉप साइज रिवाइज डाउन हुई है और साथ में फार्मर्स भी अराइवल नहीं ला रहे हैं, जिसके चलते फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर भाव में एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ओवरऑल कॉटन का एक बेस हम बोल सकते हैं 27,500 का एक नया बेस बन चुका है। जब तक प्राइजेस 36,000 के ऊपर नहीं जाता है नई तेजी स्टार्ट नहीं होगी, बट 30-32,000 तक के हम एवरेज भाव